नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे कि भारत में जो मुस्लिम है वो कहाँ से आए। तो दरअसल आप ये सोचते होंगे कि भारत में जो मुसलमान थे वो शुरू से थे या फिर बाहर से आए, तो आज आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो इस जो मुसलमान है वो भारत में थे ही नहीं। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था जो भारत आया हुआ था, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, जिसने भारत पर आक्रमण किया, वो व्यक्ति जब भारत पर आक्रमण किया न सिर्फ उसने भारत पर आक्रमण किया बल्कि उसने अपने साथ अपने जुर्मों के द्वारा बहुत से भारतीयों को इस्लाम कबूल करवाया। जो उनकी सेना में शामिल थे उनको इस्लाम के नाम पर विशेष छूट दी गई और उनसे ये कहा गया कि यदि आप इस्लाम कबूल करते हो तो आपको और भी ज्यादा सुख सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। तो बहुत सारे लोग थे जो कि उसके कहने पर मुसलमान बन गए। इसके अलावा कुछ ऐसे भी लोग थे जो नहीं बने, उनको तलवार के डर से इस्लाम कबूल करवाया गया। इसी तरीके से जब 712 ईस्वी से शुरुआत हुई, जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे जो बाहर से भारत पर आए उन्होंने आक्रमण किया, और ये सिलसिला लगभग आप एक कह लीजिए जो मुगल काल था, मुगल काल की समाप्ति तक चलता रहा, यानी लगभग 712 से लेकर के आप 1707 तक समझिए, क्योंकि 1707 तक जो मुगल शासन था वो बड़ा ही चरम पे था। तो यहां से लेकर यहां तक लगभग 1000 जो वर्ष का समय था, इस 1000 वर्ष के समय में जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे लगातार सत्ता में किसी न किसी रूप में रहे, चाहे वो मोहम्मद गौरी के रूप में आए हो, चाहे वो गजनी के रूप में आए हो, चाहे वो दिल्ली सल्तनत के रूप में आए हो, चाहे वो खिलजी के रूप में आए हो, चाहे वो तुर्क आक्रमणकारी के रूप में आए हो, चाहे वो तुगलक सैयद लोदी किसी भी रूप में आए हो, उनका सिर्फ एक ही मिशन था कि इस्लाम का जो सत्ता है उसको ज्यादा से ज्यादा फैलाओ, और जो भारत के लोग हैं उनको तलवार के डर से प्रलोभन से उन्हें इस्लाम कबूल करवाओ। और ऐसे ही भारत में शुरुआत हुई मुसलमान बनने की, यानी जो भारत के जो हिंदू वर्ग था या तो तलवार के डर से इस्लाम कबूल कर लिया या फिर वो लालच के डर से इस्लाम कबूल कर लिया। और भारत में फिर ऐसे ही जो इस्लाम की जो सत्ता है या इस्लाम की जो जड़ें हैं वो आगे बढ़ती चलती चली गई, और भारत में जो मुस्लिम आबादी है वो काफी तेजी से आगे बढ़ती चलती चली गई। इसलिए आपको ये बात समझना होगा कि भारत में जो मुसलमान है वो बाहर से नहीं बल्कि वो खुद मूल रूप से भारतीय थे और मूल रूप से हिंदू थे। उन्हीं हिंदुओं को तलवार के दम से डरा करके और लालच देकर के इस्लाम में आने के फायदे बता करके उनको जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया गया। यदि आपको वीडियो आई पसंद तो आप वीडियो कीजिए शेयर, चैनल कीजिए सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।